हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट सा जिराफ, वो भी वेस्ट मटेरियल से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वेस्ट मटेरियल से हम ये बनाएंगे और वो भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से। तो ये मैंने ले ली है प्लास्टिक बॉटल और इसको कट कर लिया है हाफ में, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना उसको भी मैंने उल्टा करके हैंग कर दिया था, उसमें भी पेड़ लगाया था। और नीचे वाले पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से इसको इवन कर लूँगी मैं पूरी तरह से, और मैंने ले ली है इसको इवन करने के बाद वॉल पुट्टी होती है ना उसका यूज़ मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर सकते हैं, जिप्सम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके ना पहले इस तरह से इसको हम एक आटे जैसा हमें गूंथना है इसको, तो थोड़ा सा जब ये डार्क हो जाएगा ना फिर हम इसको हाथ से गूंथ लेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह से आपके हाथ बच जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और जब आप हाथ यूज़ करें अपने हाथों से इसको गूंथें तो ग्लव्स पहन के कीजिएगा अगर आपके पास ग्लव्स हैं, नहीं है तो फिर ऐसे ही कीजिएगा। देखिए इस तरह से इसको मैंने बहुत अच्छे से एक आटे जैसा टेक्स्चर इसका आ जाए उतना इसको गूंथ लिया है। बस अब ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पेड़े जैसा लेके आप बना सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके इसको फ्लैट करके बना सकते हैं, चाहे तो आप बेल के बना सकते हैं इसको। अब मैंने जो बॉटल ली थी ना उसको ले लिया है, और मेरे पास है ये एक वेस्ट कैप। जी हाँ, ये पेन कैप है, जो वेस्ट पेन था उसका कैप ले लिया है मैंने, और इसको यहाँ पे मैं कर रही हूँ सील। जो हमारा पुट्टी का बैटर है ना, पुट्टी जो हमने गूंथी है उसी से मैं इसको यहाँ पर सील कर रही हूँ। इसके बाद इस पूरे को, जो पूरी बॉटल है ना उसको हम पूरे तरह से कवर कर देंगे वॉल पुट्टी से। और जब आप जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स में मैं लगा रही हूँ ना, जब आप इस तरह से करेंगे उसके बाद आपको जब एक साथ चाहिए होगा इसको करने के लिए, तो पानी लगा के आप इसको इवन कर सकते हैं। पानी लगाते जाइए और इसको इवन करते चले जाइए, देखिए इस तरह से। और जब ये बन जाएगा तो भी आप लास्ट में पानी लगा के इसको अच्छे से इवन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाया मैंने और ये खुद ही फैलता चला जा रहा है, इस पर बहुत आराम से इजीली फैल रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैंने पूरे को कवर कर लिया है, अब ये एक और छोटा सा पुट्टी का पार्ट ले लिया है और जो पेन का कैप था उसको कवर करते हुए आगे की तरफ फोल्ड कर दिया और बना दिया है इसका फेस। और बस इस तरह से इसको मैं शेप देती चली जाऊंगी धीरे 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 धीरे, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे जिससे इसको शेप देना इजी हो जाएगा और ये इवन भी होता चला जाएगा। ये अलग से लगा हुआ नहीं लगेगा, जब आप पानी का यूज़ करते हैं ना तो ये सिमिलर हो जाता है, जिस भी चीज़ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो वो इसी का पार्ट लगने लगेगा। ये देखिए मैंने इसके कान भी बना दिए हैं इस तरह से, और बस इसको अब सुखा लेंगे जब ये रेडी हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको सैंड पेपर से घिस के थोड़ा और इवन कर सकते हैं, अभी मेरे पास सैंड पेपर नहीं है इसलिए मैं इसको इसी तरह से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका फेस भी बन गया और सूख चुका है, पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इस पे हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और देखिए प्लास्टिक बॉटल का इतना अच्छा यूज़, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे प्लास्टिक से, और अपने घर में पॉट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुंदर सुंदर पॉट्स बना के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको पहले येलो कलर से कलर कर लिया, मेरे पास है ब्लैक कलर, आप चाहें तो ब्लैक की जगह ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक से पॉट्स बना दिए हैं पूरे पे, और इसका फेस बना देंगे, आइज़ बना देंगे, और कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से हमारा जिराफ। और इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं प्लास्टिक से, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। हमारी प्रकृति में हमें इतना कुछ देती है तो हमें कुछ तो उसको सेव करने के लिए करना चाहिए ना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।